दोस्तों मैं विकास तोली YouTube पे एक वीडियो और लेके आया हूँ। इस बार भी प्री मैच एनालिसिस लेके आया हूँ। जो पिछली वीडियो लेके आया था वो लेके आया था क्वार्टर फाइनल जो होने वाला थर्ड, उसकी प्री मैच एनालिसिस। इस बार लेके आया क्वार्टर फाइनल फोर्थ। जो क्वार्टर फाइनल फोर्थ मैं कवर करने जा रहा हूँ वो करने जा रहा हूँ नोवाक जोकोविच वर्सेस एंडर रूबलेव। देखा जाए सेक्शन के मुताबिक ये तीसरे नंबर पर आता है, चौथे नंबर पर दूसरा मैच आता है। बट पहले मैच जो था वो था बेन शेल्टन का मैच, इसलिए वो पहले कवर किया। जो लास्ट मैच होने वाला है क्वार्टर फाइनल का वो होने वाला है नोवाक जोकोविच वर्सेस एंड्रे रूबलेव। दोनों प्रदर्शन शानदार प्लेयर प्रदर्शन कर रहे हैं, और जोको का तो भाई क्या उनकी तो कोई बात ही नहीं है यार, शानदार प्रदर्शन करते हैं। ऑस्ट्रेलिया की धरती में जब भी आते हैं प्रदर्शन उनका एकदम लाजवाब रहता है। 2017-2018 के साल को छोड़ दिया जाए उनका जो प्रदर्शन है वो एकदम उच्च स्तरीय रहा है, और वो जीते ही रहते हैं। ऑस्ट्रेलिया ऐसी जगह है जहाँ पे वो पहला अपना ग्रैंड स्लैम जीते थे और उसके बाद उन्होंने पीछे मुड़ते नहीं देखा, ग्रैंड स्लैम की भरमार लड़ा दिया। 21 ग्रैंड स्लैम जीत चुके हैं और अगर ये जीत जाएंगे ग्रैंड स्लैम तो 22वां ग्रैंड स्लैम जीत जाएंगे और राफा नदाल की बराबरी कर लेंगे। जो को ऑलरेडी रॉजर फेडर से तो आगे निकल गए हैं, पिछले साल भी विंबलडन जीते और इस बार चाहेंगे कि भाई नदाल की बराबरी कर ले। नदाल पिछले साल दो जीते थे ग्रैंड स्लैम, इस बार जो को चाहेंगे कि भाई ये जीत के बराबरी पहले ही कर लिया जाए, क्योंकि नदाल तो एलिमिनेट हो रहे थे सेकेंड राउंड में, बट जो को प्रदर्शन बढ़िया करे जा रहे हैं। बार बार नदाल इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि नदाल की जो अचीवमेंट है उसके बराबर आ जाएंगे और देखा जाए दो वर्स प्लेयर फिर से सेम मंच पे आ जाएंगे 22 और 22। दोस्तों इसी के रिगार्डिंग प्री मैच आने से लेके आऊँ, पहले लेके आऊँ जोकोविच वर्सेस रूबलेव। जो रूबलेव बढ़िया प्रदर्शन कर रहे हैं, उनके हमवर्क खिलाड़ी एक कैरेट जो वो भी पहुंचे हैं, वो तो सेमीफाइनल में पहुंचे तो वो चाहेंगे भाई मैं भी सेमीफाइनल में पहुंचूं। मेडवेडेव तो बाहर हो रहे हैं उनके हमवर्क प्लेयर, और जोको के जो देखा जाए जो ज़्यादा टांटी टक्कर दे सकते हैं वो रूबलेव है एज इन ATP रैंकिंग, और दूसरे नंबर पे ATP रैंकिंग पे है वो है कैरेट हंचोव। तो देखा जाए ये दोनों प्लेयर से इनका मैच पड़ सकता है, और जो सबसे ज़्यादा खतरनाक खिलाड़ी है वो है सिसिपास। सिसिपास से उनका फाइनल पड़ सकता है जोको का, जो मुझे लगता है एज पर रैंकिंग ये अभी सारी प्रेडिक्शन कर रहा हूँ, बट रैंकिंग के अलावा भी कुछ भी हो सकता है क्योंकि देखा जाए टॉप सीडेड प्लेयर बाहर है भाई। टॉप सीडेड प्लेयर सिर्फ एक ही है जो टॉप 10 में प्लेयर आता है जो शानदार प्रदर्शन कर रहे हैं और लग रहा है कि भाई वो जीत नहीं आया, वो है जोकोविच। दूसरे नंबर पर लग रहे हैं सिसिपास, तीसरे नंबर पर लग रहे हैं रूबलेव, और चौथे नंबर पर ऑब्वियसली है कैरेट हंचो। बढ़िया प्रदर्शन कर रहे हैं, बट ऐसा नहीं हो रहा कि रूबलेव और जोकोविच में से दोनों प्रदर्शन अच्छा कर रहे हो और सेमीफाइनल में जाए, क्योंकि दोनों का क्वार्टर फाइनल में ही मैच पड़ गया तो दोनों में से एक ही जा सकता है और जो जाएगा वही ज्यादा अच्छा प्रदर्शन कर रहा है। एक जो जा रहा है वो है बेन शेल्टन वर्सेज जो मैच होने वाला टॉम पॉल के बीच में वो जाएगा। दोस्तों प्री मैच एनालिसिस में बढ़ने से पहले बता दूं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, नोटिफिकेशन बेल को क्लिक कर लो ताकि सारी अपडेट्स आपको मिल सके प्री मैच से रिगार्डिंग, पोस्ट मैच से रिगार्डिंग, अदर एक्टिविटीज से रिगार्डिंग, ब्लॉग्स से रिगार्डिंग, शॉर्ट्स रील सब के रिगार्डिंग। दोस्तों अब बढ़ते हैं प्री मैच एनालिसिस के वो हेड टू हेड एनालिसिस में। हेड टू हेड एनालिसिस देखा जाए दोस्तों इनके बीच में तीन मैचेस हुए हैं, तीन मैचेस में जोको का पलड़ा भारी रहा है। जोको ने अभी तक जो पहला मैच खेला वो खेला था नीटो एटीपी फाइनल्स में, उसमें 2-0 से हराया था। उसके बाद हुआ था बेलग्रेड में सर्बिया का फाइनल, तब जोको बहुत देर से खेले नहीं थे, वैक्सीनेशन स्टेटस का चक्कर पड़ रहा था, ऑस्ट्रेलियन ओपन 2022 में खेले नहीं थे, उसके बाद US में मास्टर्स जो हुए वो भी बहुत सारे मास्टर्स नहीं खेले, उसके बाद अपनी धरती पे मैचेस खेले, सर्बिया में फाइनल था तब रूबलेव ने बेडल मार दिया, वो भी फाइनल में 8-7 हारे थे जोको। उसके बाद एक पहले रूबलेव भी हारे थे फिर भी रूबलेव जीत गए, मुझे विश्वास नहीं हुआ, खासकर बेडल मार के जीते, बट ये वाला बदला उन्होंने पूरा लिया। कहाँ लिया वो नीटोटे फाइनल्स, इसमें ब्रेड स्ट्रीट मतलब सिर्फ वन ही गेम जीतने देना अपने अपोनेंट के 6-1 से जीते, इस बार भी 2 स्ट्रेट सेट्स में जीते और नीटोटे फाइनल में क्या शानदार प्रदर्शन किया। फिर उसके बाद जोको ने एग्जीबिशन मैच खेला, वगैरह से ही हारे मैच और उसके बाद मैच और जीता। उसके बाद एडिलेड इंटरनेशनल खेला ATP 250, उधर लगातार 5 मैच जीते, अब इधर लगातार 4 मैच जीत चुके हैं, 5वां मैच जीतने आए हैं और 5वां मैच उनका रूबलेव के साथ फंस गया है। अगर पिछले 3 मैचेस में जो मैंने बताया पहले जीते थे जोको फिर रूबलेव फिर जोको, एज पर देखा जाए ये सिस्टमेटिक प्रोग्रेशन तो देखा जाए रूबलेव का बनता है, बट जोको के ज़्यादा चांसेस हैं। इनफैक्ट मैं बोलूँगा जोको के चांसेस हैं 75 और रूबलेव के 25, बट ये रूबलेव 25% चांस को अपने कन्वर्ट कर पाते हैं या नहीं कर पाते हैं यही मैं बोलूँगा। मुझे पता है कि जोको ज़्यादा फेवरेट है, बट मैं फिर भी बोलूँगा कि भाई रूबलेव बढ़िया प्रदर्शन बताए और लगे कि भाई मैच हो रहा है, क्योंकि आगे रूबलेव बढ़िया प्रदर्शन बताएंगे ज़्यादा फाइट देने पे मजबूर कर देंगे, क्योंकि जोको को ऑलरेडी हैमस्ट्रिंग इंजरी है, उनका वो फ़ायदा उठा सकते हैं।
क्या पता अगर वो ज्यादा अग्रेसिव मोड पे खेले तो उनकी इंजरी, क्योंकि उन्हें भी ज्यादा फोर्स लानी पड़ी तो इंजरी में दखल हो सकता है और इसकी फायदा मिल सकता है किसे, रूबलेव से। मैं ये नहीं बोल रहा कि भाई दूसरों की भाई कमजोरी पकड़ लो, ये पकड़ लो, बट ये एक कमजोर कड़ी है जोकोविक के लिए और बाकी कोई कमजोर कड़ी नहीं है। बट हमें पता कि भाई जोको एक बार जब मेडवेडेव से हैंडशेक कर रहे थे, एक बार जब टूर्नामेंट में पैडिंग कर रहे थे, तब भी वो उसके बाद क्या खेलते हैं, जी जाते हैं। और जोको का यही तो एटीट्यूड है भाई, सर्विस डे में अगर डाउन हो रहे हो, रिटर्न बहुत बढ़िया करा देते हैं, उसमें जी जाते हैं, प्रदर्शन हमेशा बढ़िया ही करते हैं जोकोविक। रूबलेव को कुछ खास करना पड़ेगा, उनका ये क्वार्टर फाइनल शानदार क्वार्टर फाइनल है, उसके बाद 50+ क्वार्टर फाइनल ग्रैंड स्लैम का है, 25 मैच स्ट्रीक विन स्ट्रीक हो रही है ऑस्ट्रेलिया में, पहले इससे पहले भी कर चुके हैं और पहले ऐसे खिलाड़ी जो दो बार कर चुके हैं ये वाली विनिंग स्ट्रीक। तो देखा जाए रिकॉर्ड थी तो लाइनें लगाते जा रहे हैं, अगर अल्लाह मैच जीते और रिकॉर्ड की लाइनें लग जाएंगी, क्या रूबलेव वो लाइन रोड़ सकते हैं? आप अपने कमेंट सेक्शन में दोस्तों बताएं। वीडियो अच्छी लगी, वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना, ढेर सारा प्यार देते रहना दोस्तों। बहुत बहुत धन्यवाद।